स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। और मैं हूँ आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत स्वागत है। और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, उत्तर प्रदेश की राजनीति की जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताते हैं। समाजवादी पार्टी ने जहाँ सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर दिया है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि गठबंधन कायम रहेगा, लेकिन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के होंगे। अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि बात सीट की नहीं, जीत की है। तो देखिए, गठबंधन रहेगा लेकिन कैंडिडेट्स सपा के होंगे। लगातार सीटों को लेकर खींचतान देखने को मिल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और देखिए, रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन बरकरार रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उपचुनाव अब नहीं लड़ेगी। तो जो देखिए ऊहापोह वाली स्थिति थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, वो लगभग अब खत्म हो चुकी है। यानी कि ये समझा जा सकता है कि पटाक्षेप हो चुका है। गठबंधन तो जारी रहेगा लेकिन प्रत्याशी होंगे समाजवादी पार्टी के। जहां पहले से ही 7 कैंडिडेट्स हैं उनका ऐलान कर दिया समाजवादी पार्टी ने, 2 पर घोषणा बाकी थी, लेकिन अब 2 सीटें वो वहां पर भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स ही उपचुनाव में लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारेगी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सरजमी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि सहयोग की पूरी बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से कि हम समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग देंगे। गठबंधन रहेगा लेकिन जो प्रत्याशी होंगे वो समाजवादी पार्टी के रहेंगे। 9 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होना है और इसको लेकर सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर, लगातार जिस तरीके से ऊहापोह वाली स्थिति बनी हुई थी, जहां बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले, और तमाम सहयोगी इस खबर पर मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। और ये बड़ी खबर है, कई लोग जुड़ चुके हैं, कई रिपोर्टर्स इस वक्त मेरे साथ में। संदीप खेर मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, धीरेंद्र प्रयागराज से जुड़े हैं, और गाजियाबाद से लोकेश मेरे साथ जुड़े हुए। संदीप, बहुत बड़ी जानकारी आ रही है, और देखिए समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर उतरने का फैसला कर दिया है। ये समझा जाए कि पटाक्षेप हो चुका है, जिस तरह की ऊहापोह वाली स्थिति चल रही थी दोनों दलों के बीच। देखिए बिल्कुल, सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जिस तरीके से देखिए सीटों को लेकर उठापटक चल रही थी। 5 सीटों से समाजवादी पार्टी ने 2 सीट दी, फिर ये हुआ कि फूलपुर से भी उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, फिर ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मीरापुर की सीट भी मांग रही है। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी 9 की सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हो, कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी लेकिन समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगी, क्योंकि खुद अखिलेश यादव ने यह कहा कि बात सीट की नहीं है बल्कि हार और जीत की, और हमें भाजपा को हराना है। हमारे साथ स्वाति कुछ लोग मौजूद हैं, युवा हैं, इनसे भी पूछते हैं कि आखिर इस बात का कितना असर पड़ेगा। सपा लड़ रही है 9 सीटों पर, क्या भाजपा आगे निकलेगी या फिर नहीं निकलेगी? हमारे साथ लोग मौजूद है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शशांक कुमार दुबे है। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर अब चुनाव लड़ने जा रही है, आपको लगता है भाजपा से इसकी टक्कर रहेगी? नहीं, भाजपा से पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं रहेगी, और क्या टक्कर रहेगी, अब तो हट ही रहे हैं सब। कांग्रेस ने चुनाव से किनारा कर लिया है, तो क्या लगता है आपको, अगर ये दोनों साथ में रहते तो कुछ हो पाता? हाँ, साथ में रहते तो शायद कुछ हो पाता, लेकिन हमेशा से बीजेपी जीतती आ रही है। तो आप क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष चौहान है, मैं बीए कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर। बताइए, ये जो उपचुनाव हो रहा है 9 सीटों पर, जिसमें सपा भी लड़ रही है, कांग्रेस ने हालांकि सपा का साथ देने का वादा किया है, तो आपको लगता है इसका कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बीजेपी थी बीजेपी हमेशा रहेगी। क्यों, बीजेपी को क्यों पसंद करते हैं? डबल इंजन की सरकार है, 2024-2025 में बीजेपी की सरकार ही बनेगी, आगे भी चलती रहेगी बीजेपी, क्योंकि उसका काम बढ़िया है और सबको, पूरे देशवासियों को पसंद है उसका काम। यहाँ पर आप और लोग भी देखिए स्वाति यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन देखिए जिस तरीके से युवा हैं उनका कहना ये है कि भाजपा का काम अच्छा है लेकिन उपचुनाव देखिए बहुत चुनौती का है,
समाजवादी पार्टी ने देखे 9 की 9 सीट पर। हालांकि अब ट्वीट तो अखिलेश यादव ने देखे ये किया है कि आपसी सहमति हुई है। अब आपसी सहमति देखे किस हिसाब से हुई है, क्योंकि इन्होंने सीटें ही 2 दी थी, 7 सीटों पे तो ये लोग ऑलरेडी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके थे। तो अब ये देखिए आपसी एक समन्वय है या इसके पीछे भी कुछ छुपा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा हमें नहीं लड़ाना है किसी सीट पर, आप ही सभी सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन इसका देखिए उपचुनाव में असर देखने को जरूर मिलेगा। भाजपा ने देखिए अभी तक अपने प्रत्याशियों की सूची नहीं जारी करी है, समाजवादी पार्टी ने पूरे दमखम के साथ कह दिया है, लेकिन चुनौती देखिए रहेगी, भाजपा के सामने भी रहेगी, समाजवादी पार्टी के सामने भी रहेगी। समाजवादी पार्टी लगातार दमखम दिखाने को तैयार है, बीजेपी ने जहां अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एक बार रुक कर लेते धीरेन्द्र द्विवेदी का। धीरेन्द्र ये बताइए कि प्रयागराज का क्या समीकरण, जहां पर मुस्लिम जो कैंडिडेट है वो भी उतार दिए, जिसके बाद ये लड़ाई और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही। बीएसपी ने जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, तो क्या समीकरण है फिलहाल, क्या तैयारियां वहां पर चल रही है, क्योंकि अब बहुत जल्द चुनाव होने जा रहे हैं। देखिए अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ फूलपुर विधानसभा पे उपचुनाव होना है, और कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं मुस्तफा सिद्दीकी, उन्होंने ही नामांकन किया है। इस बीएसपी ने अपना जो उम्मीदवार है उसको बदल के और जितेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आज जितेंद्र सिंह का नामांकन होगा, 12 बजे के बाद नामांकन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बात की जा रही है, तो इंडिया गठबंधन ने कल जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन किया है, तो कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी उनके साथ नामांकन में नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में कुछ जरूर ऐसा चल रहा था। ये वजह रही है कि कल जो कांग्रेस पार्टी, हालांकि मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से नामांकन स्थल पर कांग्रेसी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके साथ नहीं गई है, तो तमाम तरह की चर्चाएं भी रही है। चर्चा तो ये भी है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है आज नामांकन करेगा, लेकिन उस पर अखिलेश यादव की ट्वीट ने विराम लगा दिया है। लेकिन जिस तरीके से ये गठबंधन में कहीं न कहीं कुछ अंदर खाने में चलने की बात जरूर आ रही है, इसकी सुगबुगाहट कहीं न कहीं उपचुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, और कल जैसा कि आपने बताया कि जब नामांकन हुआ तो उस वक्त भी काफी गुत्थम गुत्थी टाइप की देखने को मिली थी, काफी ज्यादा तीखी बहस हो गई थी पुलिस प्रशासन के साथ, सपा कार्यकर्ताओं की ऐसी भी खबरें आई थी। लोकेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। लोकेश, ये सीट भी काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है गाजियाबाद की, इस सीट को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं इस वक्त दोनों दलों की, किस तरीके के समीकरण देखने को मिल सकते हैं इस बार? देखिए अभी तक ना तो भाजपा ने इस सीट पर अभी कैंडिडेट फील्ड किया है और ना ही सपा ने। कल देर रात जब पूर्व मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव का ये ट्वीट आया, उसके बाद स्थिति क्लियर हो गई कि अब समाजवादी पार्टी ही यहाँ से चुनाव लड़ेगी। वजह ये थी कि करीब इसकी रूपरेखा एक हफ्ते पहले से ही अंदेशा था इस बात का, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस लगातार संविधान बचाओ महासम्मेलन आयोजित कर रही थी, पिछले महासम्मेलन जो आखिरी महासम्मेलन था वो गाजियाबाद में ही आयोजित किया गया, और उस पूरे सम्मेलन के बीच में जो पब्लिक थी वो बिल्कुल नहीं आई, जो मंच था वो बिल्कुल, मंच के अलावा जो पब्लिक की फील्ड थी वो खाली थी। और अविनाश पांडे जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने उस बैठक में ये माना कि संगठन को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है, और इसी के बाद ये माना जा रहा था कि मंच पर बैठी हुई जो मोना थी उनके अलावा प्रदेश के अध्यक्ष थे, तभी ये माना जा रहा था कि शायद यहाँ से कांग्रेस विड्रॉ कर सकती है। और आप शुरू से देखें तो कांग्रेस खैर और गाजियाबाद की सीट को लेकर इसलिए विरोध भी जता रही थी कि ये दोनों हारी हुई सीट थी समाजवादी पार्टी की, और ये दोनों ही सीटें उन्हें दे दी गई। तीसरी सीट फूलपुर की लेकर के परसों देर रात जो है वो बातचीत चली, लेकिन जब फूलपुर में कल नॉमिनेशन फाइल कर दिया वहाँ के समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने, उसके बाद वहाँ भी विराम लग गया कि अब कांग्रेस वहाँ पर भी नहीं लड़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के कंपैरेटिव अगर आप देखेंगे तो संगठन के तौर पर जितनी समाजवादी पार्टी मजबूत है उतनी कांग्रेस नहीं है, और शायद इसी वजह से देर रात ये फैसला लिया गया और गठबंधन में रहते हुए समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, जैसे हमारे सहयोगी अभी धीरेन्द्र बता भी रहे थे, इस पूरे चुनाव के अंदर कांग्रेस कितना सपोर्ट करेगी अब मंच पर, क्योंकि कल के नॉमिनेशन में कांग्रेस के लोग नाराज थे जो फूलपुर की सीट है, तो ऐसे में बाकी की सीट पर किस तरीके के समीकरण रहेंगे, क्या कांग्रेस वाकई जमीनी स्तर पर जो है समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी रहेगी या नहीं। गाजियाबाद की जो सीट है वो शहरी सीट मानी जाती है, और इससे पहले भी आपने भी देखा होगा कि चुनावों में बीजेपी को बहुत अच्छा खासा फायदा मिलता है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कहां चुनाव होने हैं। 9 सीटों पर जहां चुनाव का ऐलान हो चुका है, ये वो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें मीरापुर कुंदर की, सीसामऊ की सीट और फूलपुर मजबा करहल कटहरी,
खैर और गाजियाबाद की सीट आती है। यहाँ पर इन सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में जो नॉमिनेशन की यानी कि नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 13 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है, यानी कि चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है। मिर्जापुर से संवाददाता पवन त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, मिर्जापुर से उनसे बात करेंगे। पवन, ये बताइए कि वहां की क्या समीकरण है? लगातार इससे पहले देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ अपने कैंडिडेट्स की घोषणा की, लेकिन लोकसभा चुनाव में उतना ज्यादा असर उसका देखने को नहीं मिला। इस बार की क्या रणनीति है तमाम दलों की? देखिए, तैयारी तो कांग्रेस के लोग सबसे पहले यहाँ कर रहे थे, वो लगातार इस सीट की मांग कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के ऊपर लगातार दबाव भी बना रहे थे। जो यहाँ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो भी यहाँ तकरीबन दो दो तीन तीन बड़ी जनसभाएं कर चुके हैं, लेकिन हालांकि ये सीट उनके खाते में नहीं गई। कांग्रेस पूरी तरीके से इस चुनाव को बाइकआउट कर गई और अब वो किसी भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन देखना ये है कि क्या कांग्रेस का यहाँ पे वाकई जो जनाधार है, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार यहाँ पे एक तरीके से खत्म जो माना जा रहा है, वो लोकपति पंडित लोकपति त्रिपाठी के बाद यहाँ से कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार न चुनाव उस तरीके से जीता है, न उस अच्छा वोट पाया है। क्योंकि जो कांग्रेस का यहाँ, अगर कांग्रेस अलग से भी चुनाव लड़ती है तो भी 4,000-5,000 वोट से ऊपर इस विधानसभा में उनके नहीं पड़े हैं। पिछले भी अगर चुनाव की बात करें तो कांग्रेस की यही स्थिति रही है। इस बार इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव लड़ा, यहाँ पे जो प्रत्याशी थे रमेश बिंद, उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में भी उनको हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब जो प्रत्याशी हैं वो रमेश बिंद, जो यहाँ के एक तरीके से कहने की 3 बार से बसपा के विधायक रहे हैं और भदोही से बीजेपी की सीट पर सांसद रहे हैं, फिर उन्होंने यहाँ से सपा के टिकट से सांसदी का चुनाव लड़ा और हार गए। इस बार उनकी बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और लगातार ज्योति बिंद यहाँ से अपना चुनाव प्रचार संभाले हुए हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं, अपने पिता के द्वारा जो काम कराए गए हैं या जो उनका समीकरण है उसी पे वो भी तैयारी कर रही हैं कि कहीं ना कहीं इस सीट पे उनको जीत मिल जाए। समाजवादी पार्टी अगर इस सीट पे मजमा सीट पे अगर चुनाव जीतती भी है तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास बदलेगा, चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभी मजमा सीट से चुनाव नहीं जीता है। ज्योति बिंद को उतारा गया है समाजवादी पार्टी के लिए मझवा सीट के लिए, और देखिए ये सीट, इस पर चुनाव लड़ना समाजवादी पार्टी, क्योंकि विनोद कुमार बिंद यहां से पहले विधायक हुआ करते थे लेकिन सांसदी का चुनाव उन्होंने लड़ा और जीत गए। फिलहाल जो चुनावी बिगुल है वो बज चुका है। संदीप खेर लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। संदीप, अब देखिए चुनावी बिगुल बज चुका है, तमाम सीटों की बात कर रहे हैं। लखनऊ की ही ठीक पास सीसामऊ सीट की अगर बात करें तो यहां से भी समाजवादी पार्टी ने पहले से ही अपना कैंडिडेट उतार दिया है, इरफान सोलंकी की पत्नी को चुनाव में इस बार टिकट मिला है। वहां के क्या समीकरण है, वहां की क्या स्थितियां हैं, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। सीट की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर देखिए इरफान सोलंकी का देखिए प्रभाव रहा, हालांकि किसी मामले के चलते वो जेल में बंद है। अब उनकी पत्नी नसीम सोलंकी, कल आपने उनका देखिए एक वीडियो देखा होगा, जब वो नामांकन के लिए देखिए पहुंची थी तो वो रोते रोते नामांकन कर रही थी, लोगों से मिल रही थी। यानी जिस तरीके की देखिए एक सहानुभूति वाला जो फैक्टर आपको याद होगा कि मैनपुरी में चला था जब डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा था, तो ऐसा ही देखिए जो एक फैक्टर है वो इस समय सीसामऊ में भी देखने को मिल रहा है कि जहां पर देखिए लोग जो हैं वो चाहते हैं कि नसीम सोलंकी जो है वो चुनाव जीते, क्योंकि वहां पर देखिए अगर हम बहुमत के हिसाब से बात करते हैं तो सभी को पता है कि बहुमत जो है वो वहां पर किसका ज्यादा है। समाजवादी पार्टी लगातार वहां पर बनी हुई है, भाजपा ने अभी तक देखिए किसी भी तरीके से कोई प्रत्याशियों को नहीं उतारा है, और ऐसे में देखिए समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए, आप ये देख सकती हैं कि विपक्ष इस समय किस स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन कहीं पर उसने विरोध नहीं दिखाई दिया, मतलब आपसी कलह नहीं दिखाई दी, मतलब पूरा विपक्ष जो है वो चाहता है कि भाजपा को किस तरीके से हराया जाए। और देखिए इन्हीं की रणनीति के चलते भाजपा, आप समझ लीजिए कल चुनाव की अंतिम तिथि है और अभी तक भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को घोषित नहीं किया है। क्यों? क्योंकि गाजियाबाद और खैर सीट पर अभी भी समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी उतारना बाकी है, तो हो सकता है कि फिलहाल तो आज तो भाजपा को अपनी लिस्ट जारी करनी होगी क्योंकि कल नामांकन की अंतिम तिथि है। तो भाजपा भी समझ चुकी है कि जो विपक्ष का गठबंधन है,
जिस रणनीति के तहत वो अपने प्रत्याशी को उतार रहा है, हमें भी उस रणनीति के तहत अपने प्रत्याशियों को उतारना होगा। लोकसभा चुनाव में बड़ा जबरदस्त तरीके से नजर आया, उस पीडीए की काट बीजेपी कैसे कर पाती, कैसे टैकल कर पाती है। और मुकेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए, और सचिन त्यागी भी जुड़ चुके हैं। मुकेश, ये बताइए कि क्या तैयारियां वहां पर चल रही हैं, क्योंकि कल नामांकन की आखिरी जो प्रक्रिया है वो रहेगी, आखिरी दिन रहेगा, तो क्या जो तस्वीरें हैं वहां से सामने आ रही हैं उपचुनावों को लेकर? देखिए, अगर तैयारियों की बात की जाए तो चाहे प्रशासन की बात कर ले, प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है और यहाँ तक नामांकन प्रक्रिया लगातार चल ही रही है। लेकिन जिस तरह से टिकट क्लियर नहीं हो पा रही है, और टिकट जो क्लियर होनी है, जैसे कि प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। और इधर जो अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब यहाँ पर कांग्रेस जो है चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ा जाएगा, जबकि समाजवादी पार्टी के साइकिल का जो चुनाव चिन्ह है उसी पर नौ की नौ सीट पर प्रत्याशी उतारा जाएगा और इसी चुनाव चिन्ह पर जो है चुनाव जो लड़ा जाएगा। अब जैसा कि अभी इस बात को यह भी कह सकते हैं कि हरियाणा में जो चुनाव हुआ था वहाँ पर कांग्रेस ने अपने जो प्रत्याशी उतारे थे सिर्फ कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जो वहाँ पर जो चुनाव हुआ था। और वहीं अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो बताते हैं कि जैसे कि वहाँ समाजवादी पार्टी का एक भी प्रत्याशी नहीं उतरा था, अब इसी तरह से अब यूपी के जो 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है इस पर भी अब समाजवादी पार्टी का ही चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस पूरी तरह से उसमें शामिल रहेगी। और जैसे कि अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है अपने ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से, कि जिस तरह से कांग्रेस की जो बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक जो सभी जो जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उनका सहयोग मिलेगा, जिससे कि खैर सीट का जो समीकरण है। और देखिए, जहां पे अभी बीजेपी ने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया है, अब जो कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल के उनमें भी काफी कंफ्यूजन होगा कि कौन प्रत्याशी होंगे, किनके पक्ष में प्रचार करना है। सचिन त्यागी भी मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि यहाँ की मीरापुर सीट पर उपचुनाव होना है। सचिन, ये बताइए कि क्या स्थितियां हैं वहां पर, समीकरण वहां के क्या है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जाटों की भी अच्छी खासी संख्या है, क्या देख रहे हैं इस बार? देखिए स्वाति, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि यहां की आखिरकार यहां मीरापुर उपचुनाव पर माहौल क्या है, क्योंकि अभी तक जो ये सीट है उस पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किया है, दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, बसपा और एएमआई जो पार्टी है उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी और जो आरएलडी का सिंबल पर दूसरा प्रत्याशी होगा उसी के बीच चुनाव होगा, क्योंकि आज अनुमान है कि देर रात तक आरएलडी यहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी, जिसके बाद जो भी प्रत्याशी होगा उसका साफ तौर से टक्कर जो समाजवादी की पार्टी की प्रत्याशी है उससे होने वाली है। लेकिन यहाँ के लोगों का ये भी एक बात का दावा है कि अगर प्रत्याशी यहाँ का लोकल होता है तो कहीं ना कहीं चुनाव में अच्छी खासी पकड़ आरएलडी की रहेगी, लेकिन दूसरी ओर जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है कादिर राणा, उनकी पुत्र वधु को यहाँ से टिकट मिला है और वो लगातार कैंपिंग कर रही है और उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है। लेकिन अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है स्वाति कि यहाँ कौन बढ़त बनाएगा या कौन यहां से जीतेगा। बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, क्योंकि बसपा ने भी एक तरह से चुनौती दे दी अब दोनों दलों को। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें यहाँ पर, तो पिछले चुनावों में भी सचिन देखने को मिला कि संजीव पालिया ने किस तरीके से वहाँ पर हारा था चुनाव, उनका ये क्षेत्र था। फिलहाल अब आगे की क्या समीकरण बनते ये देखने वाली बात होगी। संदीप भी लगातार जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। संदीप, अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे नहीं हैं, अब आज का वक्त बचा है। समाजवादी पार्टी जहां 7 सीटों पर बात कर चुकी है, अपने कैंडिडेट्स उतार चुकी है, 2 सीटों की बारी है बाकी, उसमें भी समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट्स होंगे। अब सवाल यह है कि बीजेपी में क्या सामंजस्य दिख रहा है, सहयोगी दलों को कितनी सीटें मिलेंगी, निषाद पार्टी को, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पहले ही कह चुके हैं कि हम साथ देंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, विपक्ष के गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को देखिए जमकर चकमा दिया था, और देखिए विपक्ष का गठबंधन इस मजबूत स्थिति में है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि देखिए अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए नामों के जो एक एक जगह पर जो है वहाँ पे 3-3 नामों का पैनल भेजा गया है, लगभग 27 नाम भेजे गए। कल मेरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
भूपेन चौधरी से बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि प्रदेश स्तरीय टीम पर केंद्रीय टीम ने जो है अपनी मोहर लगा दी है, यानी जो नाम हम लोगों ने यहाँ से भेजे हैं उन्हीं नामों का चयन वहाँ पे हुआ है। लेकिन अभी तक नामों का ऐलान क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए गठबंधन ने एक कॉम्पिटिशन पैदा कर दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी भी फूक फूक कर कदम रख रही है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा प्रत्याशी उतार दिया जाए जो किसी सीट पर हार जाए, या इसके पीछे देख वजह देखिए एक और भी होती है कि एक दिन पहले प्रत्याशियों को उतारा जाए जिसका पार्टी में किसी भी प्रत्याशी को लेकर कोई दूसरा विरोध ना दर्ज कर पाए और उसको लेकर जिताने की स्थिति में हो। तो मुझे लगता है कि देखिए दो कारण है कि भाजपा पहले देखना चाहती थी कि विपक्ष का गठबंधन किस सीट पर किस जाति के चलते प्रत्याशियों को उतार रहा है, और उसके बाद अपनी एक अलग तरीके की रणनीति के चलते, क्योंकि इस बार देखिए आरएसएस भी इनकी तैयारियों में जुटा है, पूरा जो बीजेपी का आला कमान है वो इन 9 सीटों को प्रतिष्ठा लेकर चल रहा है। और खुद देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 9 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, कई सीटों पर वहां पर पहुंचे, करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी उन्होंने दी। तो मुझे लगता है कि ये जो 9 सीटें हैं ये 2027 के विधानसभा चुनाव से हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही अहम है। देखिए भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि कटोगे वाली जो रणनीति है वो मुझे लगता है संदीप यहाँ पर भी चुनावों पर आगे चलती रहेगी। और फिलहाल ये 9 सीटें हैं जहाँ पर चुनाव का ऐलान हो चुका है, और जो राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन सीटों का आगे आने वाले 2027 चुनाव में, सभी का ये कहना है कि जो इस बार हावी रहेगा 2027 में सीधा सीधा प्रभाव उसका देखने को मिलेगा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर सीट को लगातार लेकर लगातार रणनीति बना रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। तो ये देखिए 9 सीटों का ऐलान है, और मयूरी आपको भी लगता होगा कि 9 सीटों पर जबरदस्त तरीके से, क्योंकि पिछली बार जो पीडीए का जो फॉर्मूला था बहुत अच्छी खासी सफलता नजर आई थी, पीडीए को मिली थी, आपको क्या लगता है कि इसको लेकर आगे बीजेपी की रणनीति क्या लगता है कि बीजेपी की कोई बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही में चुनाव हुए हमने देखा किस तरह समाजवादी पार्टी ने एक बेहतर प्रदर्शन किया, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और आप ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से रिजल्ट सामने आए थे पिछले चुनाव में, उसी के मद्देनजर अब जो प्रत्याशी के चयन में भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो पाए। लेकिन आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आज अभी तक प्रत्याशी उतारे नहीं गए, कल आखिरी दिन है नामांकन का, तो ये जिस तरीके से कदम बीजेपी उठा रही है इसका कुछ नुकसान भी मिल सकता है या इसका आगे चलकर कुछ फायदा मिलेगा? ये तो स्वाति देखिए अब आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरह से अब वो टाइम लग रहा है, फिलहाल आज तो लिस्ट आ जानी चाहिए क्योंकि कल आखिरी दिन है नामांकन का, और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किन किन सीटों पर किन किन प्रत्याशियों को मौका देती है, क्योंकि देखिए साथ में सहयोगी दल भी हैं और लगातार उनकी तरफ से भी सीटों की मांग की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ फैसला लेती है, किन नाम पर मुहर लगाती है। बिल्कुल, और अम्बेडकर नगर से